हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का अपने चैनल लक्ष्मी सूत्र मास्टरों पे स्वागत करता हूँ। और आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। मेरे चैनल पर आपने देखा होगा सभी तरीके के वीडियोस अवेलेबल हैं, मगर अष्टक वर्क और मुहूर्त से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है। अब मैं आज अष्टक वर्क से रिलेटेड एक सीरीज शुरू करूँगा और जिसमें अष्टक वर्क से रिलेटेड सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। अष्टक वर्क अपने आप में पूरी एस्ट्रोलॉजी है। यदि हमें इसकी डिटेल नॉलेज पता है तो केवल अष्टक वर्क के बेसिस पर हम किसी भी नेटिव के बारे में, उसके सभी इवेंट के बारे में कंप्लीट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। कुछ एक एरियाज में इसकी एप्लीकेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या बहुत ज्यादा है, उन एरियाज की भी मैं बात करूंगा और इसे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। जैसे BNN एक एस्ट्रोलॉजी है, KP एक एस्ट्रोलॉजी है, या जेमिनी ऐसे एक एस्ट्रोलॉजी है, बिल्कुल उसी तरीके से अष्टक वर्क अपना आप में पूरी एस्ट्रोलॉजी है। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कैलकुलेशन पार्ट है जिसे हम मैथमेटिकल पार्ट बोल सकते हैं और दूसरा प्रेडिक्शन पार्ट है, एप्लीकेबिलिटी पार्ट है। तो जो मैथमेटिकल पार्ट है वो जो लोग कोई भी कोर्स कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का उनकी एग्जाम में आता है, और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी इसे समझना चाहिए, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी के बगैर, मैथमेटिकल पार्ट को समझे बगैर आप इसको अप्लाई भी नहीं कर सकते। अब आप कह सकते हैं हमें अष्टक वर्क की क्या जरूरत है, ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र में ही दिया हुआ है। यदि आपको ट्रांजिट का असली फल जानना है, रिजल्ट जानना है, तो बगैर अष्टक वर्क के बगैर हम इसका पूरा रिजल्ट नहीं जान सकते। तो ट्रांजिट को डिटेल में जानने के लिए, कोई भी ग्रह ट्रांजिट में कैसे रिजल्ट देगा, यदि आपको अष्टक वर्क की जानकारी है तो आप टाइमिंग ऑफ इवेंट को बिल्कुल सटीक तौर पर कर सकते हैं। आप डे बाई डे इवेंट को बता सकते हैं कि आज ये इवेंट होने वाला है और मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी अष्टक वर्क आप सीरीज देखें। आपको जिसको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो मुझे यकीन है मैं उसे भी ये सिखा पाऊंगा। और इसके बेसिस पर प्रेडिक्शन बहुत कम लोग जानते हैं, मगर आप यदि इस पूरी सीरीज को देखेंगे तो आप डेफिनेटली इसके बेसिस पर प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे। अब मैं शुरू होता हूँ भूमिका बनाने के बाद। अब आता हूँ व्हाट इज अष्टक वर्क। अष्टक का मतलब होता है 8, तो 8 को हम अष्टक बोलते हैं। यहाँ पे अष्टक वर्ग का मतलब क्या है कि एक राशि को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक राशि ली हमने, उसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 8 इक्वल पार्ट्स कौन से हैं? यदि मैं एक राशि को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, 30 डिग्री की एक राशि होती है, 8 से डिवाइड करूंगा तो 3 डिग्री 45 मिनट्स होगा। तो एक राशि को 3 डिग्री 45 मिनट्स के 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और इन सभी 8 पार्ट्स को सेवन प्लैनेट्स हैं आपके, सैटर्न से लेकर मून तक। कैसे डिवाइड किया वो मैं अभी बताऊंगा आपको। सेवन प्लैनेट्स और एक आठवां पार्ट है इसके अंदर लग्न। राहु और केतु को एक्सक्लूड करके चलेंगे हम थ्रू आउट दिस स्टडीज। इन सभी 8 पार्टों को हम कक्षा बोलते हैं। तो कौन कौन सी कक्षा होती है वो मैं भी आज ही की क्लास में आपको बताऊंगा। तो जो 30 डिग्री की राशि है उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो 3 डिग्री 45 मिनट है। ये 8 पार्ट बिलोंग करते हैं सेवन प्लैनेट्स को और आठवां लग्न को। इन सभी पार्ट्स को हम कक्षा बोलते हैं। तो एक राशि के अंदर 8 कक्षा होंगी। दिस कंसेप्ट इज गिवन BPHS, मतलब एक कंसेप्ट आपका बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अंदर दिया हुआ है। अब इसका रीजन क्या है, इंपॉर्टेंस का, मतलब आप ध्यान से समझिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि हम क्यों अष्टक वर्क को यूज कर रहे हैं। जनरली ट्रांजिट देखा जाता है कहां से, या तो हम मून से देखते हैं कि मून से इस भाव में कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है तो अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, तो हमने केवल मून से देख लिया, या हम लग्न से देखते हैं। मगर ट्रांजिट में जब भी कोई प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा होता है उस पर केवल मून या लग्न का असर नहीं होता, कुंडली के अंदर बाकी सभी ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स का उस पर इन्फ्लुएंस होता है। तो एक कोई भी प्लैनेट है, जैसे मैं सन मान लूं, सन किसी भी भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, तो अभी तक हम क्या देखते थे कि मून से 3, 6, 10, 11 में वो शुभ फल देता है, तो हमने मून से उसका असर देख लिया। मगर बाकी और जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं उनका असर
हम ट्रांजिट में बिल्कुल कंसीडर करके नहीं चलते, मगर अष्टक वर्ग एक ऐसी टेक्निक है जो सभी ग्रहों से उसकी रिलेटिव पोजीशन पे क्या असर पड़ेगा, कौन कौन सा ग्रह उसको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है, कौन कौन सा ग्रह उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है, तो सभी ग्रहों का ओवरऑल रिजल्ट आपको अष्टक वर्ग से पता चलता है। तो ये नॉर्मल ट्रांजिट से बहुत ही बेहतर और बेटर टेक्निक है। मैंने यहाँ पे लिखा है रीजन बिहाइंड इंपॉर्टेंस ऑफ AKV अष्टक वर्ग को यूज करूंगा मैं, इज इन ट्रांजिट ऑल अदर प्लेनेट इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो ट्रांजिट में सभी प्लेनेट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन AKV इन्फ्लुएंस एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑल अदर प्लेनेट्स इज ऑल्सो गिवन प्रॉपर वेटेज। यहाँ पर सभी दूसरे प्लेनेट्स का क्या असर पड़ रहा होगा उसे भी प्रॉपर वेटेज दिया गया है। वेयर एज इन जनरल ट्रांजिट रूल फोकस इज ऑन द पोजिशन फ्रॉम मून और लग्न फ्रॉम वेयर ट्रांजिट इज अप्लाइड। तो मून और लग्न से हम ट्रांजिट अप्लाई करते हैं, केवल उन्हीं पर फोकस है। अष्टक वर्ग में बाकी सभी ग्रहों का ट्रांजिट भी उस पर्टिकुलर प्लेनेट पर क्या असर डाल रहा है उसे भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल ट्रांजिट से बहुत ही ज्यादा बेहतर और सटीक टेक्निक हो जाती है इन दिस वे। तो अष्टक वर्ग का मतलब मैंने पहले ही बताया 8 पार्ट्स होता है। अब अष्टक वर्ग हम दो तरीके के निकालते हैं। एक इंडिविजुअल प्लेनेट का अष्टक वर्ग निकालेंगे, हर एक प्लेनेट का एक अष्टक वर्ग निकालेंगे जिसे हम उसका भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं। जैसे सभी 7 प्लेनेट हैं, सूर्य का अष्टक वर्ग निकालेंगे तो हम कहेंगे ये सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग है 8 पार्ट में डिवाइड करके। इसी तरीके से हम चंद्रमा का अष्टक वर्ग निकालेंगे, मंगल का अष्टक वर्ग निकालेंगे, सभी 7 प्लैनेट्स का और लग्न का अष्टक वर्ग अलग से कैलकुलेट करते हैं जिसे हम भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो अभी मैं आपको कमिंग क्लासेस में बताने वाला हूँ। तो इसका एक नाम है भिन्नाष्टक वर्ग। तो भिन्नाष्टक वर्ग क्या है, इसको BKV से बोलेंगे, BKV आगे चल के। तो भिन्नाष्टक वर्ग हर एक प्लैनेट्स का इंडिविजुअली सेपरेट हम अष्टक वर्ग निकालेंगे। इसमें हर एक राशि के अंदर टोटल 8 पॉइंट्स मैक्सिमम होते हैं। भिन्नाष्टक वर्ग में 8 पॉइंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो 0.0 से 8 तक कुछ भी मिलेंगे वो मैं बताऊंगा पॉइंट्स का क्या मतलब है, आप इसकी चिंता ना करें। अभी मैं जो टर्म बोल रहा हूँ वो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रही है तो भी ठीक है, आगे चल के बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो भिन्नाष्टक वर्ग एक अलग नाम है, ये भी अष्टक वर्ग ही है। अष्टक वर्ग के दो नाम हम अलग अलग देंगे। सबसे पहले भिन्नाष्टक वर्ग क्या है, हर एक प्लेनेट का अलग से अष्टक वर्ग निकाला जाएगा, उसको भिन्नाष्टक वर्ग नाम दिया। अब हम पूरी कुंडली का ओवरऑल सभी प्लेनेटों का अष्टक वर्ग आपने निकाल लिया, उनको इकट्ठा करके एक कुंडली के सभी 12 राशियों के लिए हम एक दूसरा अष्टक वर्ग बनाएंगे जिसमें हम यूज करेंगे सभी 7 प्लेनेटों के भिन्नाष्टक वर्ग को, और उसके बेसिस पर एक ओवरऑल हम अष्टक वर्ग बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं सर्वाष्टक वर्ग। SKV बोलेंगे इसको, सर्वाष्टक वर्ग या सामुदायिक अष्टक वर्ग बोलते हैं इसको। सामुदायिक इसलिए बोलते हैं इसमें सभी प्लेनेट का अष्टक वर्ग इन्वॉल्व हो जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाई टेकिंग BKB मतलब भिन्नाष्टक वर्ग ऑफ 7 प्लेनेट्स, बट लग्ना इज एक्सक्लूडेड। यहाँ पे केवल 7 ही प्लेनेटों का भिन्नाष्टक वर्ग का यूज करके हम पूरा एक अष्टक वर्ग बनाएंगे कुंडली का ओवरऑल हर एक राशि का, जिसमें सभी प्लेनेट के भिन्नाष्टक वर्ग को यूज करेंगे और जो बनेगा उसको हम बोलेंगे सर्वाष्टक वर्ग या सामुदायिक अष्टक वर्ग। तो सामुदायिक अष्टक वर्ग सभी प्लेनेटों के भिन्नाष्टक वर्ग के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। आगे मैं सिखाऊंगा तो आपको मतलब भी पता चल जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर डायरेक्टली, इसको बगैर भिन्नाष्टक वर्ग बनाए हुए डायरेक्टली भी हम बना सकते हैं, और उसके बारे में भी मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। एक टर्म यूज होगी जिसे बोलते हैं प्रस्तारक वर्ग। जो लोग एग्जाम देंगे उनकी एग्जाम में ये सभी टर्म आएंगी कि भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है, सामुदायिक अष्टक वर्ग क्या होता है, प्रस्तारक वर्ग। तो अष्टक वर्ग जो बनता है या भिन्नाष्टक वर्ग, उसमें हम एक राशि के अंदर टोटल बिंदुओं को पॉइंट्स को ऐड करके लिख देते हैं कि इस राशि में 4 पॉइंट है, मगर किस किस प्लेनेट ने वो पॉइंट दिए हैं उसके लिए इसका डिटेल जो टेबल होती है उसको हम बोलते हैं प्रस्तारक वर्ग। इज द डिटेल ऑफ भिन्नाष्टक वर्ग एंड सर्वाष्टक वर्ग इन विच वी कैन नो विच प्लेनेट इज हैज गिवन पॉइंट टू विच राशि।
तो इसमें हमको पता चलेगा कि किस राशि में किस प्लेनेट ने पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो डिटेल भिन्नाष्टक वर्ग यदि आप लिख रहे हो सभी प्लेनेट्स का, या डिटेल सर्वाष्टक वर्ग लिख रहे हो, उसको बोलते हैं प्रस्तारक वर्ग। तो प्रस्तारक वर्ग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि किस राशि के अंदर किस प्लेनेट ने पॉइंट दिए हैं, उस बेसिस पर हम प्रेडिक्शन करेंगे। ये अभी मैं आपको केवल टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हम आगे जैसे जैसे जाएंगे तो वो मैं आपको सारी चीजें सब सामने आने वाली है आपके। तो अभी जिस मैं कक्षा की बात कर रहा था, तो हमने कहा एक राशि को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो हर एक पार्ट 3 डिग्री 45 मिनट का होता है। तो पहला पार्ट होगा 0 से 3 डिग्री 45 मिनट, दूसरा होगा 3 डिग्री 45 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट, तीसरा होगा 7 डिग्री 30 मिनट से लेकर 11 डिग्री 50 मिनट, मतलब हम वही 3 डिग्री 45 मिनट ऐड करते जा रहे हैं। चौथा भाव होगा 11 डिग्री 15 मिनट से 15 डिग्री, पांचवा भाव होगा 15 डिग्री से 18 डिग्री 45 मिनट, सिक्स्थ पार्ट होगा 18 डिग्री 45 मिनट से 22 डिग्री 30 मिनट, सेवेंथ पार्ट होगा 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 26 डिग्री 15 मिनट, और एट पार्ट होगा 26 डिग्री 15 मिनट से लेकर 30 डिग्री। अब ये आठ कक्षाएं होगी हर एक राशि के अंदर, और इन आठ कक्षाओं को सेवन प्लैनेट्स और एक लग्न को उनकी लॉर्डशिप दी हुई है। कक्षाओं की एक राशि के अंदर कोई भी प्लेनेट जब ट्रांजिट में एक राशि के अंदर एंटर होता है, ट्रांजिट आप पढ़ चुके हो पूरा, जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरी ट्रांजिट की प्लेलिस्ट में चला जाए और ट्रांजिट को समझ ले। जब कोई भी प्लेनेट एक राशि के अंदर जब शुरू में एंटर होगा, तो 0 से 3 डिग्री 45 मिनट तक की कक्षा का मालिक होगा सैटर्न लॉर्ड। तो ये शनि की कक्षा होगी सबसे पहले, इसके बाद जुपिटर की होगी दूसरी कक्षा, तीसरी मार्स की होगी, चौथी सन की होगी, पांचवी वीनस की, छठी मरकरी की, सातवीं मून की, और आठवीं कक्षा लग्न की होगी। अब इसका मतलब क्या है, इसे ध्यान से समझाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्शन में, ट्रांजिट के केस में। ये कक्षाएं एलोकेट की गई है इनकी स्पीड्स के हिसाब से या अर्थ से डिस्टेंस के हिसाब से। जो सबसे ज्यादा स्लो प्लेनेट चलता है सैटर्न, उसको सबसे पहली कक्षा दी हुई है, उससे दूसरे नंबर पर स्लो है जुपिटर, फिर तीसरे नंबर पर मार्स है, फिर सन है, फिर वीनस है, फिर मरकरी है, फिर मून है, और सबसे आखिरी कक्षा लग्न को दी गई है, वो सबसे क्लोज होता है नेटिव से, अर्थ है एक्चुअली नेटिव। तो अर्थ से सबसे नजदीक सबसे दूर जो है सैटर्न, उसको पहली कक्षा है, जो दूसरे नंबर पर आता है उसको दूसरी कक्षा है, तीसरे नंबर पर आता है उसको तीसरी कक्षा है, चौथे नंबर पर आता है उसको चौथी कक्षा है। तो अर्थ से डिस्टेंस के हिसाब से या स्पीड के हिसाब से कक्षा दी गई है, सबसे स्लो चलता है उसको पहली कक्षा है, उसके बाद जो फास्टर है उसको दूसरी, तीसरे नंबर पर जिसकी स्पीड है उसको तीसरी। अब याद रखने के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूं, आप शनिवार से सैटर्न से शुरू होइए और अल्टरनेटिव जाते जाइए, मतलब सैटर्न से वीनस छोड़ दिया, अल्टरनेटिव जुपिटर आ गया, जुपिटर से अल्टरनेटिव मार्स आ जाएगा, एक एक छोड़कर बैकवर्ड डायरेक्शन में, मार्स से एक पिछला आएगा मून और फिर आ जाएगा सन, अल्टरनेटिव जाना है सन से, फिर अल्टरनेटिव जाओगे तो वीनस, फिर अल्टरनेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो मरकरी, और उससे अल्टरनेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो मून आ जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, तो ये स्पीड का ऑर्डर है, इनमें सबसे कम स्पीड सैटर्न की होगी और सबसे फास्ट मून होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ स्पीड इनकी बढ़ती जाएगी। तो क्या तरीका हुआ आपको याद रखने का, बिल्कुल पहली कक्षा किसकी है सैटर्न की, दूसरी याद रखनी है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक छोड़कर अल्टरनेटिव आप जाते जाइए, आपको याद होता जाएगा। सैटर्न वार से भी याद कर सकते हो, शनिवार शनि से एक छोड़कर पिछली डायरेक्शन में आपका बृहस्पति या गुरुवार आएगा, तो गुरु हो गया, उससे एक छोड़कर पिछली डायरेक्शन में मंगल या मार्स आएगा, फिर एक छोड़कर पिछली डायरेक्शन में आपका सन आएगा, तो एक एक छोड़कर पिछली डायरेक्शन में हम जाते जाएंगे। तो एक राशि में जब ये जैसे सैटर्न एंटर होगा तो वो अपरी कक्षा में 112 दिन रहेगा, 112 डेज तक वो अपनी कक्षा में रहेगा, या किसी भी कक्षा में 112 दिन तक रहेगा, आप ये मान सकते हो। इसी तरीके से जुपिटर है किसी भी कक्षा में 45 डेज रहेगा, मार्स है किसी भी कक्षा में अराउंड 7 डेज रहेगा, सन 3.8 डेज रहेगा, वीनस 2.3 डेज रहेगा एक कक्षा के अंदर, मरकरी 22 आवर रहेगा और मून 6.9 आवर रहेगा। तो ये क्योंकि इनकी स्पीड सबसे कम है इसलिए सबसे ज्यादा रहेगा एक कक्षा में, इतना चलने के लिए इसको 112 डेज चाहिए, और इसकी स्पीड इससे थोड़ी ज्यादा है इसलिए ये 45 डेज रहेगा, स्पीड बढ़ती जा रही है, और एक कक्षा में उनका स्टे या ठहरना
कम होता जा रहा है। इस तरीके से ये प्लैनेट जब किसी भी ट्रांजिट में एंटर होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कक्षा के अंदर इतने इतने दिन रहते हैं। तो इस तरीके से एक राशि को 8 भागों में डिवाइड किया है, हर एक भाव को एक लॉर्डशिप दी हुई है, और उतने लॉर्डशिप का भाव जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट में किसी भी राशि में एंटर करेगा तो 0 से 3 डिग्री 45 मिनट तक जब वो चलेगा तो वो सैटर्न की कक्षा में चलेगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ट्रांजिट के रिजल्ट इसी पर डिपेंड करेंगे वो किसकी कक्षा में चल रहा है। अब आते हैं यहां पर, देखिए अष्टक वर्ग डील विद 8 टाइप ऑफ एनर्जीज। ये 8 एनर्जीज हैं अष्टक वर्ग में एक राशि के अंदर, 7 प्लैनेट्स हैं और 8वीं एनर्जी लग्न की है। तो ट्रांजिट में एक प्लैनेट पे सभी 8 तरह की एनर्जियों की बौछार होती है, सभी 8 तरह की एनर्जियां मिलती हैं। ट्रांजिट में एक प्लैनेट पे सभी 8 खुद भी वो असर डालेगा जो नेटिव पोजीशन पे है कुंडली में। सूर्य का आपने यदि ट्रांजिट देखना है तो सूर्य पे नेटल सूर्य जो कुंडली में वो असर डालेगा और बाकी सभी प्लैनेट उस पर असर डालेंगे, लग्न भी असर डालेगी। तो उन सभी तरीके की एनर्जीज को हम यूज करते हैं यहाँ पर इन अष्टक वर्ग, जबकि नॉर्मल ट्रांजिट में ऐसा हम कुछ भी नहीं करते। इसलिए नॉर्मल ट्रांजिट इनएक्यूरेट होता है, उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। ई साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड इंटू 8 पार्ट, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, लॉर्डशिप ऑफ कक्षा हैज बीन अलॉटेड एज पर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। जो सबसे ज्यादा दूरी पे है उसको पहली कक्षा, और सबसे कम डिस्टेंस पे है मून और लग्न उसको लास्ट कक्षा दी हुई है। लॉर्डशिप कक्षा हैज बीन अलॉटेड एज पर डिस्टेंस। ईच प्लैनेट इन ए राशि एंटर्स इन ए कक्षा ऑफ सैटर्न एंड इन कक्षा ऑफ लग्न इन द लास्ट। तो सबसे पहले वो सैटर्न की कक्षा में एंटर होगा ट्रांजिट में एक राशि के अंदर, और सबसे आखिर में वो लग्न की कक्षा में रहेगा। टाइम स्पेंट इन ए कक्षा इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंट बाई ए प्लैनेट इन ए राशि। तो एक कक्षा में वो कितना टाइम स्पेंड करेगा कोई भी प्लैनेट, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एक राशि में कितना टाइम स्पेंड कर सकता है, उससे 1/8 हमने इसको कर दिया है क्योंकि 8 कक्षाओं में डिवाइड कर दिया है, तो अकॉर्डिंगली वो टाइम स्पेंड करेगा। अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबको आप नोट करते रहिएगा जिन्होंने भी एग्जाम देनी है, और जो अष्टक वर्ग सीखना चाहते हैं और जो एक्चुअल प्रेडिक्टर बनना चाहते हैं कि फलित करना चाहते हैं, उन्हें अष्टक वर्ग अपनी फलित के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। कभी भी बगैर अष्टक वर्ग के ट्रांजिट नहीं देखना चाहिए, और उसके लिए आपको पूरी मेरी जो 4-5 वीडियोज होने वाले हैं सभी कंप्लीट देखने ही पड़ेंगे। नंबर 1 है आपका पॉइंट, देखिए प्लेनेट ट्रांजिटिंग इन ए कक्षा हूज लॉर्ड हैज कंट्रीब्यूटेड ए पॉइंट। अब हम देखेंगे कि कौन कैसे पॉइंट देता है, ये बाद में मैं बताऊंगा। जिस कक्षा में उसके लॉर्ड ने पॉइंट कंट्रीब्यूट दिया हुआ है, तो प्लेनेट जब ट्रांजिट करेगा तो वो बेनिफिक रिजल्ट ही देगा हर हालत में। जैसे देखिए पहली कक्षा है ये किसी भी राशि में, और उसमें शनि ने यदि पॉइंट कंट्रीब्यूट किया है, तो कोई भी प्लेनेट यहाँ से ट्रांजिट करेगा तो शनि उसको बाउंड कर देगा कि वो बेनिफिक रिजल्ट दे, चाहे वो राशि उस प्लेनेट के लिए अशुभ है। हम कहेंगे कि इस राशि के अंदर वो प्लेनेट अशुभ फल देगा या इस भाव के अंदर अशुभ फल देगा, मगर जिस कक्षा के अंदर उसके लॉर्ड ने बेनिफिक पॉइंट दिए हुए हैं उसको प्लेनेट को ट्रांजिट में अच्छे रिजल्ट देने ही पड़ेंगे। अब पॉइंट कैसे देंगे ये लेटर ऑन मैं बताऊंगा और फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। इफ ए प्लेनेट आर ट्रांजिटिंग इन बिंदु लेस कक्षा रिजल्ट्स आर इविल। यदि जिस कक्षा में किसी ने बिंदु नहीं दिए हो, बेनिफिक पॉइंट नहीं दिए होंगे, तो वो आपके उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। ए प्लेनेट ट्रांजिटिंग इन ए साइन इन विच इट हैज कंट्रीब्यूटेड पॉइंट्स गिव मच वेल्थ। मतलब वो खुद ने जिस कक्षा के अंदर या साइन के अंदर पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं और उसी में वो ट्रांजिट कर रहा है प्लेनेट जिसमें उसने पॉइंट दिए हुए हैं। खुद पॉइंट जनरली हम देखेंगे या तो कोई प्लेनेट पॉइंट देगा या नहीं देगा, तो जिसमें दिए हुए हैं उसी से ट्रांजिट कर रहा है तो वो वेल्थ देगा नेटिव को। ए प्लेनेट ट्रांजिटिंग इन ए साइन गिव्स रिजल्ट ऑफ इट्स लॉर्डशिप। जब प्लेनेट किसी भी साइन में ट्रांजिट करता है, किसी भी साइन से ट्रांजिट कर रहा है, तो वो किस किस चीज के रिजल्ट देगा, ध्यान से समझिए। वो अपनी लॉर्डशिप के देगा, इट्स अपने सिग्निफिकेशंस के देगा, और उस कक्षा सिग्निफिकेशंस ऑफ कक्षा हु हैज कंट्रीब्यूटेड पॉइंट ओवर विच प्लैनेट इज ट्रांजिटिंग। तो वो कक्षा के सिग्निफिकेशंस का मतलब है, जैसे सपोज प्लैनेट या मार्स की कक्षा से ट्रांजिट कर रहा है तो मार्स के भी रिजल्ट देगा। इन्हें मैं लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन और करूंगा, तो अभी उतना शायद आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप इन्हें नोट करके रख लें। इफ ए ट्रांजिटिंग प्लैनेट एंड कक्षा लॉर्ड आर फ्रेंड्स रिजल्ट वुड बी गुड। तो एक ट्रांजिटिंग प्लेनेट जैसे आपका सपोज जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है मार्स वाली कक्षा से,
इस कक्षा से ट्रांजिट कर रहा है, 7 डिग्री 30 मिनट से 11 डिग्री 15 मिनट तक ट्रांजिट कर रहा है, तो वो अच्छे ही रिजल्ट देगा क्योंकि मार्स उसका फ्रेंड है। तो एक ही राशि के अंदर वो सेम प्लेनेट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के रिजल्ट देता है, इसका मतलब ये है। लास्ट पॉइंट है, इन ए के वी नो एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन। यहाँ पे हम एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन को कंसिडर करके नहीं चलेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो केवल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताए थे अष्टक वर्ग के, इनमें से बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत क्लियर समझ में आएगा। आप ये जो भी मेरे 5-6 वीडियोस होने वाले हैं उन्हें कंप्लीट देखे हैं, मैं आपको पूरा अष्टक वर्ग सिखाऊंगा और इसके बेसिस पर मैं आपको प्रेडिक्शन करना बताऊंगा, और आगे की क्लासेस में जो मैं कुंडली एनालिसिस करता हूं उसमें मैं आपको अमेलगमेट करूंगा, इसको अष्टक वर्ग को आपको सिखाऊंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें। यदि चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे इस चैनल पर अवेलेबल होगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।